आप देख रहे हैं CN24। मरचार की कमांडर टीना मालो, आप सब लोग करतल ध्वनियों से स्वागत करें। प्लाटून नंबर 6 के कमांडर हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस को रेलवे सुरक्षा बल ने धूमधाम से मनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को रेलवे सुरक्षा बल गोरखपुर ने एकता दिवस के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त एसके सैनी ने सबसे पहले मार्च पास्ट की सलामी ली, जिसमें महिला दस्ते ने बहुत ही स्फूर्ति के साथ परेड किया। बाद में सभी सुरक्षा बल के जवानों को एकता की शपथ दिलाई गई। अपने देश की एकता की भावना से ले रही हूँ। मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने एकता दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया, आज हमारे राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में इसे पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ लेनी होती है, ताकि हम इस देश के जो नागरिक हैं और इस देश के जो भावी नागरिक हैं, उन सभी को देश प्रथम के दृष्टिकोण से तैयार कर सकें। उनके मन में सबसे पहले देश की सुरक्षा और देश के हित का विचार पहले आए, उसके बाद में अपने परिवार का हित और उसके पश्चात अपना स्वयं का हित उसे अपने दिमाग में रहे। यह चीज़ हमें बार बार हमारे भावी नागरिकों को, हमारे भावी रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को, ये जो 350 लेडी कांस्टेबल्स यहाँ पर आई हुई हैं, इनको भी हमें इसी तरह से संस्कारित करना है कि जब भी हम अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, हमारे मन में रेल यात्रियों की सुरक्षा ही प्रथम रहे, उसके पश्चात रेल कर्मचारियों की सुरक्षा और उसके पश्चात हमारी अपनी सुरक्षा, यही हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए। आज इस अवसर पर यही संदेश है। जय हिंद।